हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवनंद बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल मिदनापुर से। मेरे यूट्यूब चैनल DNM टेक्नोलॉजी सपोर्ट में आप सबको स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए बहुत वाइटल दो वीडियो आज शेयर करने जा रहा हूँ। दो वीडियो का फॉल्ट फाइंडिंग एक ही साथ में, और जो फॉल्ट है वो बहुत कॉमन फॉल्ट है, और वो जो फॉल्ट है वो मैक्सिमम रिपेयर होते नहीं है। मैं आज वही दो फॉल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो दो फॉल्ट आज मैं दिखाऊंगा वो बहुत कॉमन है, मैक्सिमम रिपेयर होते नहीं है, कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी होते नहीं हैं। तो आज उसी दो पैनल को मैंने अलग टेक्निक से रिपेयर किया हूँ, जो कि शॉर्ट क्लर की मदद से। क्योंकि बहुत सारा ऐसे पैनल है जो हम लोग पहले रिपेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन आज उसमें हम लोग अलग टेक्निक यूज करके उसको भी ज़िंदा कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फॉल्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ये 20 इंच का पैनल है, जिसका देखिए सिर्फ टॉप में, ऊपर में थोड़ा सा हिस्सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, और वो भी लाइनिंग में, सिर्फ टॉप में, नीचे की तरफ पूरा नॉर्मल ब्लैंक है और लाइनिंग है। तो ये पैनल भी मैक्सिमम रिपेयर होते नहीं है, क्योंकि ये जो सिम्टम आया है, ये जब मेरे पास आया है तो मैंने देखा ये एक्चुअल में पहले से मॉडिफिकेशन करके ही रखा गया है, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑडिबन बाईपास किया हुआ था, मतलब इसमें फ्रीजिंग का शायद फॉल्ट था। आप लोग ये पैनल देख सकते हैं, तो ये पहले से ही मॉडिफिकेशन किया हुआ था ऑडिबन का। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं शॉर्ट क्लर की मदद से रिपेयर करने की कोशिश करूं, तो ऐसा मैंने किया भी है। आप लोग देख सकते हैं ये पैनल में ये पे 7 करके रजिस्टर रहता है, जो CKB सिग्नल के लिए है, और दूसरे साइड ऐसे यहाँ पर रहते हैं 2, 4, 5, 6 और 7, ये 7-7 करके रजिस्टर रहते हैं। तो ऐसे केसेस में जब ये फ्रीजिंग तो पहले था, वो रिपेयर करके टेक्नीशियन ने दिया था, फिर ऐसे केसेस आया है तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, क्या अभी ये सेट होगा नहीं। तो मैंने इसमें जो शॉर्ट क्लिंग मेथड है वो अप्लाई किया इसमें, क्योंकि CKB में मैक्सिमम गाइडलाइन शॉर्टिंग की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, तो जो इसमें भी आया था यहीं पर। अब लोग देखिए, मैंने पूरा इस साइड का भी CKB का ऑल रेजिस्टेंस ओपन कर दिया, और दूसरे साइड भी ओपन कर दिया, दिखा रहा हूँ मैं। और ये ओपन करने के बाद मैंने इसमें शॉर्ट क्लर प्रोसेस अप्लाई किया। ये देखिए, मैंने कोई ट्रैक भी कटिंग नहीं किया, ये लेफ्ट साइड का CKB है, ये मैंने कुछ कटिंग नहीं की है। और ये देखिए, ये 195 का पैनल है, ये बहुत पॉपुलर पैनल है, तो इसमें तो सारे सब कुछ वोल्टेज भी बराबर था। इस साइड भी मैंने कुछ ट्रैक कटिंग नहीं की है, सिर्फ शॉर्ट क्लिंग यूज करने के लिए मैंने यहीं पे शोल्डर लगाया था, तो मैंने शॉर्ट क्लिंग सक्सेसफुली इसमें कर लिया। और अभी फ़िलहाल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, इसमें पिक्चर भी मेरा बराबर आ गया है, और मैं कोई भी CKB ट्रैक को छेड़ा नहीं, सिर्फ रजिस्टर को ओपन किया और शॉर्ट क्लिंग प्रोसेस मैंने किया। देखिए, पिक्चर अभी इसमें पूरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ गया, कोई भी ना फ्रीजिंग का है। आखिर में मैंने सारे के सारे जितना भी CKB ट्रैक है वो मैंने जोड़ दिया, सिर्फ ऑडिबन बाईपास तो लास्ट टाइम मैंने करके रखा, और पिक्चर देखिए पूरा बिल्कुल कहीं पे भी कुछ लाइनिंग नहीं है। तो
ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशन है जो अगर पैनल रिपेयर में आपको सक्सेसफुली काम करना है तो बहुत सारे हम लोगों को अभी भी सीखना बाकी है। तो मैं और भी एक फॉल्ट दिख रहा हूँ जो एलजी का फॉल्ट है, ये भी बहुत कॉमन फॉल्ट है। ये देख सकते हैं पूरा जो इसका पिक्चर क्वालिटी है पूरा डाउन है और इसमें पूरा वर्टिकल लाइन भी भरा हुआ है और साथ में ये फ्रीजिंग भी चल रहा है, ये रुक भी जा रहा है, लाइनिंग भी है और डल पिक्चर है पूरा इसमें। ये सब जो कुछ क्रिटिकल सिम्टम है ये भी हम लोग अभी रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को जो पैनल रिपेयर का डीप नॉलेज लेना है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसके बाद इस फॉल्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्या अगले महीने में अक्टूबर का 15, 16 और 17 ये 3 दिन में मेरा वेस्ट बंगाल में मेरा एक फुल अपडेट ट्रेनिंग होने जा रहा है, जिसमें कोई भी फ्रेश स्टूडेंट अलाउड नहीं है, जो कि पूरा पैनल और एंड्रॉयड स्मार्ट किसी भी रिपेयर के बारे में ही होगा। पैनल का जितना भी फॉल्ट फाइंडिंग है, जितना भी मॉडिफिकेशन है, वो आप लोगों को थियोरी विद प्रैक्टिकल लाइव दिखाया जाएगा यहीं पे। और पैनल रिपेयर के साथ साथ जो अभी पैनल शॉर्ट किलिंग प्रोसेस का ट्रेनिंग चल रहा है, सेपरेटली चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा कि शॉर्ट किलिंग के बारे में ही 2-3 दिन का ट्रेनिंग चलता है। तो मैं एक ही ट्रेनिंग में, मेरा एक ही ट्रेनिंग में मैं पैनल का जितना भी डिटेल्स है, पैनल सक्सेसफुली रिपेयर करने का जितना भी डिटेल्स है, जितना भी फॉल्ट फाइंडिंग है, शॉर्टकट मेथड है, साथ में पूरा पैनल शॉर्ट किलिंग का जो प्रोसेस है वो मैं साफ साफ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इस सेमिनार में। लो प्राइस में कैसे आप लोग शॉर्ट किलर खुद बना सकते हैं उसका भी तरीका मैं इस ट्रेनिंग में बताने जा रहा हूँ। हर एक पैनल के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। जो शॉर्ट किलर होते हैं ये यूज करने के लिए आपको फुल गाइडलाइन मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हाई वोल्टेज में रन करते हैं, तो ये अगर आप मिस यूज करेंगे तो पैनल 100% आपका डैमेज हो जाएगा। तो जो कुछ भी करना है जानबूझ के करना है, तो इसीलिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा तो पैनल होगा और एक दिन पूरा आपका एंड्रॉयड स्मार्ट पीसीबी का सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन चलेगा, जो भी प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। जितना भी सब्जेक्ट होगा सब थियोरी विद प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा इस ट्रेनिंग में। तो जिन्होंने इंटरेस्टेड है, क्योंकि सीट बुकिंग कंटिन्यूस अभी चल रहा है, सीट कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो मैं थोड़ा लो प्राइस में भी ये अनाउंस किया है। आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग ट्रेनिंग है, पैनल का ट्रेनिंग अलग होता है, शॉर्ट किलर का ट्रेनिंग अलग होता है, सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग अलग होता है, तो मैं ये तीनों को एक साथ मिला के सारे इन्फॉर्मेशन इस ट्रेनिंग में देने वाला हूँ। तो जिन लोग अपडेट होना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, लोग ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी स्टार्टिंग है। जिन लोगों को जानकारी चाहिए मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अक्टूबर का 15, 16 और 17 ये ट्रेनिंग में सारे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट आ सकते हैं, इसमें कुछ लिमिटेड नहीं है। और जिन्होंने दूर से अलग स्टेट से आएंगे तो वो लोग पहले खुद का रिजर्वेशन कंप्लीट करें, उसके बाद सीट बुकिंग का प्रोसेस चालू करें। तो मैं ये जो फॉल्ट दिखा रहा हूँ, देखिए फॉल्ट तो मैंने दिखाया था, क्या ऐसा फॉल्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली इसका ऑडिबन बाईपास करके देख लेते हैं। तो ऑडिबन नॉर्मली अगर क्लियर पिक्चर आएगा और फ्रीजिंग होगा तब हम लोग सक्सेसफुली उसको बाईपास करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा पिक्चर का कंडीशन भी ख़राब है, लाइनिंग भी है और फ्रीजिंग भी है। तो ये जो सिम्टम है ये ऑड इवन जब हम लोग दोनों साइड में काट कर देते हैं तो उसके बाद ऐसा सिम्टम आता है, क्योंकि आपको सिग्नल लगा के रखना है। देखिए इसमें सिर्फ जो बार है वो मूवमेंट हो रहा है,
तो इसके बाद जब हम लोग ऑडिबन बाईपास करते हैं तब क्या होता है, देखिए ये तो ऑडिबन बाईपास किया लेकिन इसमें पूरा स्क्रीन में देखिए ऊपर की तरफ पूरा लाइनिंग भरा हुआ है और नीचे भी लाइनिंग था, अभी थोड़ा कम हो गया है, ऊपर में देखिए पूरा लाइनिंग चल रहा है। ये लाइनिंग अगर आपको क्लियर करना है इसमें भी आपको शॉर्ट क्लियर का मदद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पैनल में अलग अलग टेक्निक, सैमसंग पैनल के लिए अलग टेक्निक, एलजी पैनल के लिए अलग टेक्निक, एयू के अलग, बीओई का अलग, हर एक पैनल का अलग अलग शॉर्ट क्लियरिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो जिसके लिए भी पूरा नॉलेज आप लोगों को लेना है। तो मैंने इसमें ये लाइनिंग के बाद मैंने शॉर्ट क्लियर अप्लाई किया और वो करने के बाद देखिए मेरा पिक्चर बिल्कुल ना ऊपर में ना नीचे में कहीं पे भी कुछ लाइनिंग नहीं, एकदम बिल्कुल बराबर जैसा पिक्चर चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये एलजी का 22 इंच का पैनल है जो बहुत फेमस है और बहुत तरीके का ऐसा फॉल्ट आते हैं और जब ये पिक्चर विथ लाइनिंग आ जाता है तो वो मैक्सिमम रिपेयर होते नहीं है, सिर्फ ये शॉर्ट क्लियर की मदद से ये अभी रिपेयर हो गया। तो देखिए आप लोग ये तो जानते ही होंगे क्या, ये जो इसका राइट साइड का एलजी का जो पैनल है इसका राइट साइड का ये सीकेवी ट्रैक है और जो सीकेवी ट्रैक का लेफ्ट साइड में दो ट्रैक छोड़ के उसका बाद जो दो ट्रैक है वो ऑडिबन का है। मैंने ये ऑडिबन यहीं पे कट करके रखा है और यहीं पे मैंने बाईपास किया, इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं मैंने वीजीएच बाईपास किया और इधर देखें मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ, लेफ्ट साइड में कुछ अभी किया ही नहीं हूँ, यहीं पे देखिए यहीं पे मैंने जो राइट साइड में जो जंपर किया था ऑडिबन में वो यहीं पे भीजे जो सप्लाई था 25 बोल्ट वहीं से किया और एक मैंने यहीं पे मॉडिफिकेशन किया जो आज तक कोई किया नहीं, राइट साइड में मैंने वीजीएच वोल्टेज दे दिया लेकिन लेफ्ट साइड में मैंने और एक मॉडिफिकेशन किया, आप लोग देख सकते हैं वीजीएच ओ और यहीं पे मैंने एक जम्पर किया और जिसके बाद ये जो लाइनिंग था वो पूरा क्लियर हो गया है। यहीं पे देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट में वीजीएच बाईपास किया हुआ है और दूसरे साइड में एक सीक्रेट टिप्स मैंने इसमें यूज किया जो शॉर्ट क्लियरिंग के बाद। तो ऐसा बहुत सारे अगर सीक्रेट फॉल्ट अगर आप लोगों को जानना है तो मेरा ये ट्रेनिंग ज़रूर आप लोगों को अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे ऐसा जो एलजी का फॉल्ट आता है मैक्सिमम रिपेयर होते नहीं है। तो फाइनली तो ये जो पैनल है मेरा बिल्कुल ओके हो गया, देखिए लेफ्ट साइड में मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ लेकिन लेफ्ट साइड में भी मैंने बाईपास किया, दोनों साइड में अलग अलग टेक्निक से मैंने बाईपास किया। तो ऐसा आप लोगों को अगर सपोर्ट लेना है और आप लोगों को पता है मेरा जो ट्रेनिंग के बाद जो सपोर्ट होता है बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाता है और मैं मेरा ट्रेनिंग में कुछ छुपाता भी नहीं हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोग अगर खुद को इस लाइन में अपडेट होना है क्योंकि आप लोगों को पता है जिन्होंने काम कर रहा है उन लोगों को बहुत सारे अपडेट अभी भी होना बाकी है क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन के दिन बहुत अपडेट होते जा रहा है। तो आप लोग शायद देख ही सकते हैं क्या ऐसे जो फॉल्ट है मैंने जो दो फॉल्ट मैंने दिखाया ये मैक्सिमम होते नहीं है रिपेयर और जिसको मैंने सक्सेसफुली रिपेयर करके डिलीवरी भी कर दिया और वो अभी भी सक्सेसफुली चल भी रहा है। तो जिन्होंने इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बहुत दिन बाकी भी नहीं है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।